एसएससीबी का खिलाड़ी हूँ और आज ये हमारे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल थे जिसमें काफ़ी टफ कुश्तियाँ हुई, काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिला, पर अब सिलेक्शन होगा तो इंडिया में और एशिया चैम्पियनशिप में हम अपना बेस्ट करेंगे। उससे पहले हमारे में बुल्गारिया जाना है कंपटीशन के लिए, आई होप हम वहाँ भी अपना अच्छा बेस्ट करेंगे। आज का जो कंपटीशन था आपके लिए क्या अनुभव उस कंपटीशन से मिला, आने वाला जो कंपटीशन है एशियन चैम्पियनशिप है क्या उसकी खास तैयारी रहेंगी आपकी तरफ? आज का कंपटीशन काफ़ी टफ रहा क्योंकि काफ़ी क्लोज कुश्तियाँ हुई हैं और प्रतिद्वंदी भी काफ़ी अच्छे हैं, जीत कर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और आने वाली एशियन चैम्पियनशिप में हम अच्छा बेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे दिल्ली में हो रही है, थोड़ा दबाव है और हमारा लिए अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पर हमारे अपनी जनता का प्रोत्साहन मिलेगा और हम अपना बेस्ट करेंगे। अब की बार खास करने का यहाँ पर रहेंगे क्योंकि अच्छे से आप शुरुआत से ही अच्छा खेल रहे हैं तो क्या कुछ? हाँ, इसे क्यों ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और निगाह यहाँ गरीब क्रमों पर ज़्यादा है, को सब थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ अपना अच्छा प्रदर्शन करूँ दिल्ली में क्योंकि हमारे देश में ही हो रही है, हमारे दिल्ली में ही हो रही है, तो चाहते हैं हम यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत कर अपने इंडिया अपने हरियाणा का नाम रोशन कर सकें। एशिया चैम्पियनशिप अभी उसकी ट्रायल हो रही है, अभी चल रही है, अभी ख़त्म भी नहीं हुई है और अभी एशिया चैम्पियनशिप दिल्ली में अपने घर में है तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं कि भाई हम दिल्ली में जो अपने घर में एशिया चैम्पियनशिप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते देश के लिए। बजरंग जी, आप पे सबसे ज़्यादा निगाहें रहेंगी, क्या सब तैयारी? देखिए, निगाहें तो जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा उस पर सभी पे निगाहें होंगी और देशवासी इतना प्यार और सम्मान दे रहे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए मेडल जीते ज़्यादा से ज़्यादा के लिए भी कर रहे हैं, ग्रीको रोमन के लिए भी कर रहे हैं जी सर, और अब ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर से कुछ बच्चों को चिन्हित किया है जी सर, कुछ गाइडर से चिन्हित किया है जी सर। अभी इसमें हम कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हटाएंगे जी सर, और उनके जगह पर जूनियर के बच्चे लाएंगे कैंप में जी सर, और फिर एक टीम बनाएंगे जो काम करने वाले हैं जी सर, और जो बेकार के हैं उनको हटाएंगे। विदेशी कोच हम तलाश रहे हैं लेकिन जैसा हमको चाहिए अभी हमें मिल नहीं रहा है। अच्छा सर, और इसमें हम भी प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रहे हैं। वेट में आप खेले हैं और किसके लिए आज ट्रायल दिए हैं? 74 केजी में खेलता हूँ कई सालों से और एशिया चैम्पियनशिप 10 मई से अपनी बार इंडिया में दिल्ली में हो रही है, उसके लिए ट्रायल थी और अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस आई और उसमें ट्रायल में फर्स्ट नंबर पड़ा और उम्मीद यही है कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूँ। इससे पहले आप कहाँ खेलने जाएंगे एशियन चैंप से? अब तो हमारे पास कोई टूर्नामेंट नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अब जो हमारे पास ये 1.5 महीने का टाइम बचा है उसमें हम जो हमारी कमी महसूस हुई उन पर गौर करेंगे, हमारे जो कोच साहब है जगमेंद्र कोच साहब जी अब हमारे जो बारी की कमजोरी हुई उन पर हम अभ्यास करेंगे। जितेंद्र जी, घर में टूर्नामेंट तो अब की बार खास कर क्या तैयारी? अब की बार हमारा जैसे सीखने पर बहुत ज़्यादा अभ्यास चल रहा है, जो हमारे कोच साहब हैं छोटी छोटी बारीकी हमें बता रहे हैं और कोच भी घर वाले भी साथी भी यही कह रहे हैं कि अगली बार देश में ही है टूर्नामेंट और इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलता हमें, बहुत कम मिलता है कि हम यहाँ पर इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं यही करते हैं कि हम गोल्ड लेगा इस देश के लिए। इससे पहले क्या क्या अचीवमेंट रही है अपनी? मेरे नेशनल में भी लगातार 3 साल से गोल्ड है और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी अभी 2016 में 17 में थी उसमें गोल्ड है।